एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आई एम सो सॉरी पहले तो, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ब्लॉग कोई लेके नहीं आ पाई, क्योंकि प्रोजेक्ट रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड बहुत काम था, इसलिए बहुत टाइम लग गया। बट अब बीच में टाइम निकाल के मैं ब्लॉग लेके आ रही हूँ एंड वीडियो बनानी है मैंने। तो आज मैं ट्राई करूँगी स्ट्रीट फूड कपूरथले का। एंड आप भी कमेंट करके बताओ कि किस किस को स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है। और हाँ, आज मुझे एक साल हो गया है ब्लॉगिंग करते हुए, सो कॉन्ग्रेट्स टू मी। एंड अब लेट्स गो। और हाँ, जिसने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट वहाँ पे फॉलो कर लो, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी फटाफट जाके चैनल सब्सक्राइब करो। तो लेट्स गो। मैं आज अपने साथ लेकर आई, अगर मेरे से ज़्यादा खाया नहीं गया तो मैं अपने साथ एक राक्षस लेके आई हूँ। ये रही मेरी राक्षस, ये रही मेरी राक्षस। ला 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 ला। सो पहले हम ट्राई करेंगे गोलगप्पे एंड मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ गोलगप्पों की। दिखाएं दही वाले, दही वाले खावांगे। सासी ब्रॉडकास्ट कर, चल ना यार, चल। तो आज हम ट्राई करेंगे। चलो। कौन सी वाले? मैं तो आटे वाले खाऊंगी। तू कौन सी खाएगी? आटे वाले। मेरे को वैसे खांसी है, बट मैं तब भी आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए मैं स्ट्रीट फूड ट्राई कर रही हूँ। मैं क्या करूँ? वाह, ये तू खा, मुझे दही नहीं पसंद है, पर मैं तब एक ट्राई करूंगी, मुझे खाना है। दही टेस्ट किया? ये भैया बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। यहाँ पे चाप भी है एंड बहुत अलग अलग चीजें हैं। मोमो भी वहाँ पे है, यहाँ पे भी मोमो, मतलब और वहाँ पे है चौपाटी आगे जाके। यहाँ पे बहुत अभी कहा अभी ना हम लोग ना चाँप ट्राई करते हैं। नहीं चाँप नहीं, अभी मोमोस रहेगा। मोमोज बहुत अच्छे हैं के भाई, ऐसे कुछ है, कुछ भैया है वो बहुत अच्छे बनाते हैं मोमोज, तो वो हम ट्राई करते हैं। भाई साहब, मैंने सारे डिशेज, मैं सारे 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 खाने ट्राई करने हैं, चाहे खाए जाए ना जाए, फिर हम किसी को दे देंगे अगर नहीं खाया गया तो। बट सब ट्राई करना है मैंने आज, मैं देखती हूँ कि मेरी पेट की कैपेसिटी कितनी है। सो हम लोग आ गए हैं चौपाटी में। भैया एक प्लेट पाव भाजी कर दो, और क्या क्या आपके पास? ग्रेवी चाप और कुल्चे, कुल्ची एक एक प्लेट, हाफ ऑफ प्लेट कर दो, हाफ ऑफ प्लेट होती एक ही करनी पड़ेगी दीदी, पहले बोला आपको। हम तो ये भी फुल हो जाएंगे ज्यादा कुछ लग रहा है। मुझे ना पाव भाजी बहुत 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 ज्यादा पसंद है, मुझे ना बॉम्बे की याद आ जाती है पाव भाजी खा के। ईरानी चाम ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम सुना है एंड है ना, क्या ख्याल है? ये ट्राई करते हैं ईरानी चाम। भैया ईरानी चाम बना दो एक प्लेट। इनकी कंडीशन तो काफी जली जली लग रही है। भैया स्वाद तो होते हैं ना, इसमें चटनी भी डालोगे? हमारी चाप आ चुकी है और ये प्याज है, ये इसे कहते हैं ईरानी चाप। ईरानी चाप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जली चुकी है। मैं इसको अब टेस्ट करके बताती हूँ।
आइसक्रीम अच्छा ही है। अच्छा है? अच्छा तो खाए अभी हम। आजा ट्राई करो। इसमें से हम इसमें 10 में से 8 पॉइंट देंगे। यस भैया आपने बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू सो मच। कितना कम करोगे आप? भैया इसे ईरानी चाम क्यों बोलते हैं? ब्रेड क्रम्ब लग गया पे ऊपर। हाँ जी ब्रेड क्रम्ब लग गया पे ऊपर। अच्छा ब्रेड क्रम्ब। और ईरानी को ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं? हाँ जी ऊपर लग गया ब्रेड। मसाला तेज होता है। मसाला तेज होता है ठीक है। मैं आपको फुल नॉलेज देती हूँ। एक्चुअली इनके जो ब्रेड क्रम्ब्स लगा हुए ऊपर, ये ब्रेड ईरान से आए हैं इसलिए इसे ईरानी चाम कहते हैं। ठीक है अब हम ट्राई करेंगे स्प्रिंग रोल। मैंने स्प्रिंग रोल बहुत बार खाया है यहाँ पे और अच्छा होता है वैसे। कैसे साथ में कॉर्न खाने का भी मन कर गया। मैगी मसाला हम ट्राई कर रहे हैं। और भैया भैया इसमें आप क्या क्या डाल रहे हो? मसाले मसाले मैगी वाले मसाले। तो फिर तो हम ये घर पे भी बना सकते हैं ना। कंट्रोल कंट्रोल उदय। स्प्रिंग रोल से पहले ये बन गए। एक्चुअली मुझे कॉर्न ना इतनी पसंद नहीं है। मुझे क्रिस्पी कॉर्न ज़्यादा पसंद है। बट दिस इज ओके ओके। ये बटर कॉर्न कप है दुकान और ये मुझे ठीक ठीक लगे। स्पाइसी है क्योंकि स्पाइसी बनाए थे ऑफकोर्स। तो या इट्स गुड। वो स्प्रिंग रोल्स रेडी हो गई हैं पर भैया ने बहुत रो रो के चटनी डाली है। सिम कितना खाएगी है? ठूसी जा रही है ठूसी जा रही है। भर रहा है ना पेट? हमे को भी लग रहा है। हमें शायद जल्द ही समाप्ति करनी होगी। मुझसे ज़्यादा वैसे तुझे पसंद है स्प्रिंग रोल। हमने अभी तक मोमोज भी खाने हैं यार। चाम पसंद। चाम्प चाम्प खा लिया। अच्छे 7 में से नहीं 10 में से बुका। हाँ 7 में से कौन नंबर देता है? 10 में से देंगे 7। अच्छा एक्चुअली ना ये मेयोनीज है साथ में और ये चटनी है और मुझे लगा था कि बस इतनी सी चटनी डाल दिया। नहीं भैया ने ठीक चटनी दी है। कितने नंबर देगी आउट ऑफ 10? 7 7 6 7 6 7 साढ़े छः। तो अब हम खाएंगे यहाँ पे पीके वाई के मोमोज। हमें हर बार यहीं पे खाते हैं और ये भैया बहुत टेस्टी बनाते हैं। चल से अरे भैया आपके मोमोज बहुत टेस्टी होते हैं। भैया की मेयोनीज बहुत अच्छी होती है। वेज सी मेयोनीज बना के देते हैं। मैम मेम साहब ये लीजिए मोमोज खाइए आप। गरम गरम ही ठूस एक बार ट्राई तो कर यार। मेरा हमेशा खिलाना पड़ता है मोमोज में। यामो के लिए ले जाएं कुछ? ठीक है यामो के लिए भेलपुड़ी। अब हम ट्राई करेंगे भेलपुड़ी एंड काफी हाइजीनिक रखा है भैया ने। भैया कितने टाइम से बना रहे हो भेलपुड़ी? यहाँ पे कब से बना रहे हो? 2 साल। 2 साल हो गए। आज ही हमने आपसे पहले भी खाई है भेलपुड़ी। हम यहाँ पे पिछले 4 साल से आए कभी। 2 साल पहले जादू दिखाते हैं अपने हाथों में। क्या क्या डाले भैया इसमें आपने? पूरी आलू प्याज पापड़ी। आलू आपने बॉईल करके डाले ना? हाँ जी हाँ बॉईल ही ऐसे अच्छे लगते हैं। कच्चे के लिए मंडी जाना पड़ेगा। सॉरी गाइस आज हमारी लड़की अपना लॉजिक हॉस्टल छोड़ रही है। मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। मैं मतलब लाइक लॉजिकल बातें करती हूँ बट ऐसे कभी कभी दिमाग में आ जाती है बातें तो पूछ लेता है बंदा है ना क्लियर हो जाते हैं डाउट्स। और ऐसा नहीं करना। टेन 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 वाह। भैया इतने सारे लोग नहीं है अभी तो चमचे लगा रहे हो। अब इतनी खा लेगी? आने दो। बाय बाय कपूरथला।
बेल्जियम चॉकलेट मैं तो उससे खा लूंगी, मेरे में पेट में अब जगह नहीं है। सिम तेरे को पता है मैं नहीं खाती इतना, सिम मैं तेरे में से खाऊंगी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। इन्हू कहो आइसक्रीम दे दे इन्हू, मेनू और हाँ कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी जो मैंने ट्राई की उसमें से कौन सी डिश आपको ज्यादा अच्छी लगती है। सो शेयर करना मत भूलना एंड बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरी आइसक्रीम और मेरे को फाइनली मैंने आइसक्रीम। Thank you.